तो गाइस हार्ट रहे उन्हें से उन्हें हार्ट कब लूँगा आईफोन। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ चुका हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। 8 बजे सो के उठाऊँ भाई, ऐसे में उठ जाता हूँ 5 बजे, बट 8 बजे बिस्तर से उठाऊँ, इस चीज में पॉइंट करना, ठीक है। इतना ज्यादा ठंड है ना भाई, इतना ज्यादा ठंड है कि बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करता। सुसु लगता है फिर भी रात के ही टाइम लगता है, सुबह उठने का भी मन नहीं करता। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, रिलेट करता है मुझे पता, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक जो है भाई। ये ब्लॉग मैं स्पेशल बना रहा हूँ एक चीज को पॉइंट आउट करके, चीज आप सभी के साथ भी होता होगा कि लाइक जैसे कोई चीज ना आप लोग करने वाले हो, मान लो कोई काम ही है, आप लोग सोचेंगे भाई मैं इस चीज को इस टाइम पे करूंगा, लेकिन आपके साथ क्या होता है, आपका जो माइंड है ना वो माइंड भूल जाता है उसको, उस चीज को एकदम लंबे समय के लिए भूल जाता है। 2 से 3 महीने के बाद आपको याद आता है कि भाई यार वो चीज करने वाला था। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने फोन लिया था ना, आईफोन लिया था, मैंने ब्लॉग बना के रखा है, ठीक है, मतलब फुल ब्लॉग नहीं बनाया लेकिन मैंने ब्लॉग बनाया है, और मैं उसको अपलोड ही नहीं कर रहा, उसको अपलोड ही नहीं कर पाया, क्योंकि भाई मैंने जब फोन को लेके आया उसको इतना ज्यादा खुश था ना, ब्लॉग तो हटाओ यार पहले फोन को चलाया जाए, की वजह से मैंने ब्लॉग को अपलोड ही नहीं किया। और नॉर्मली आपको बता देना चाहता हूँ, सोचा कि चलो आज इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो चलो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस काफी हद तक जो मेरा चेचक का जो दाग था यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल कम हो रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, भगवान कृपा से सब दाग खत्म हो जाए। और गाइस ठंडा भी बहुत ज्यादा लग रहा है, सो हमें ठंडे से भी बचना चाहिए, मफलर लगा लेता हूँ, और चलो अभी हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गाइस बात है आज से लगभग 1 साल पहले की, जब मुझे कुछ पर्सनली मुझे भूत चढ़ी थी, मैं भी कब आईफोन लूंगा, कब लूंगा आईफोन। गाइस देख रहे हो हर बार वीडियो खराब करता है ये, तुम हर बार वीडियो क्यों खराब करता है? अरे तुम रूम में है, क्या कर रहा नहीं कर रहा हमको क्या बताऊं, आए उधर से। पिछले ब्लॉग को भी खराब किया था यार, डिस्टर्ब कर दिया था, ठीक है, अभी भी अचानक इतना जोर से दरवाजा को धकेला कि क्या ही बोले यार। इसके लिए ना एकदम खतरनाक कमेंट कर देना नीचे में, ठीक है भाई साहब। हम लोगों का जो कम्युनिटी टीम है, जो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो भी कोई भी प्रॉब्लम में आता है तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अपना यूट्यूबर्स फिर हम फैमिली अपना खुद का, ठीक है। मैं जो है हम लोग सोचते थे कि भाई हमारे पास कब आईफोन होगा, क्योंकि हम लोग जो है देखते थे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े टिकटॉकर्स को, बहुत सारे लोगों को देखते थे हम लोग कि उनके पास जो आईफोन है भाई बिल्कुल एकदम मस्त सा क्वालिटी के साथ बनाता है वीडियो, मतलब एक होता है ना सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत ही तगड़ा चीज़ें उसके पास है, तो हमारे पास कब होगी। तो ये चीज़ मेरा मानना था, जितने भी फ्रेंड्स थे उनका भी कुछ कुछ ड्रीम्स होते थे, ठीक है, सभी लोग सोचते थे कि यार हमारा ड्रीम कब कंप्लीट होगा, और बहुत सारे चीज़ें सोचते थे जो कि एकदम सपना था। हम लोग आगे बढ़ते गए, क्योंकि अगर रुक जाते ना तो कुछ नहीं होता, अगर हम लोग रुक जाते वहीं पे तो कुछ भी नहीं होता। और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं ये चीज़ बता के कोई फायदा है नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, सो छोटा सा मैं बताना चाहता था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो है ना हम लोगों को कुछ ऐसा रास्ता मिला, कुछ ऐसा चीज़ें, ऐसा कुछ फेस किया हम लोगों ने, जिससे हम लोगों ने सोचा कि चलो यार अब थोड़ा सा अर्निंग भी किया जाए, क्योंकि भाई 2 साल तक बिना पैसों की काम किए तो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। सो हम लोग कुछ अर्निंग सोर्सेस निकाले, फिर वहाँ से इतना अच्छा खासा हमने बिल्डअप हुआ ना कि भाई जब खुद मेहनत करोगे ना बहुत तेज़ी से, बहुत तगड़ा मेहनत करोगे ना तो उतना तगड़ा ही आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। सो हम लोग बहुत अच्छा खासा मेहनत किए, उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट ड्रीम कंप्लीट करने का हमें मौका मिला, तो मैंने सबसे पहले आईफोन 13 प्रो मैक्स को डायरेक्ट उठा लिया, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम यही था, ठीक है। सो ड्रीम को पूरा कर लिया मैंने, और हालांकि हमारे पास सेविंग भी था, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं हमने फ़ोन लिया। उसके बाद चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से लिया हूँ फ़ोन, और क्या कैसे कैसे ब्लॉगिंग कर रहा था फिलहाल, क्योंकि वो जो ब्लॉगिंग था, ब्लॉगिंग टाइम था ना, मैं तभी ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, ठीक है, बट देखो कैसे मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहा था। जैसे कि देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं आईफोन लेने के, और यहाँ पर ये रहा किस तरीके से शॉप, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने अपने फ़ोन को लिया था भागलपुर के खलीफाबाग में, वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि हम जो है ब्लॉगिंग कम और खुश ज़्यादा हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा खुश थे ना भाई क्या ही बोले, मतलब होता है ना कि भाई आप एकदम सपना में हो, सपना में आप लोग मन करता है सपना में कुछ भी कर जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो उसी तरीके से मेरा जो सपना था लग रहा कि भाई मैं सपना में उड़ रहा हूं, मैं सपना में आया हूं, इस तरीके से लग रहा था, क्योंकि भाई ड्रीम के जब आप जस्ट 2 कदम पीछे रहोगे ना भाई इतना ज़्यादा खुशी हो महसूस होगी आपको कि आप खुद नहीं बोल सकते हो, ठीक है। सो मेरे साथ भी वैसा ही सिचुएशन था, और मेरे साथ में जो राहुल देख सको कितना ज़्यादा ये भी खुश है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि यार हम लोगों ने भाई इतने कम उम्र में भाई इतना अच्छा खासा एक जो ड्रीम होता है कंप्लीट कर लिया। सो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुशी महसूस हुआ, और उसके बाद हमने फ़ोन को लिया, फिर ब्लॉग तो बन गया, ठीक है, मेरा जो एक पोको X3 फ़ोन था वो ब्लॉग उसमें बन गया। सोचा कि यार ब्लॉग को एडिट करके अपलोड किया जाए, क्योंकि हम लोग सोचे ब्लॉग को डाल देते, फिर सोचा यार छोड़ो यार भाई पहले फ़ोन चला लेता हूँ, फ़ोन को मैंने यूज़ करता हूँ, उसके बाद जो है इस फ़ोन से डायरेक्ट ब्लॉग बनाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे लिया था, लेकिन उस चीज़ को मैं भूल गया और छोड़ दिया। सो आप लोग देखो यहाँ पर थोड़ा कुछ क्लिप्स में दिखाना चाहता हूँ, देख लो मोबाइल तो सेलेक्ट हो चुका है, इसका भी बिलिंग होगा, उसके बाद हम लोग निकलते हैं, इसका फुल रिव्यू आ जाएगा चैनल पे, ठीक है। फोन सेटअप हो रहा है, थोड़ा सा फोन का, उसके बाद हम लोग
फोन को लेंगे निकलेंगे और फोन भी लगा दो खाना भी लगा के निकलेंगे। उसमें तो क्या और हाँ गाइस, मेरे लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाता हूँ, सो मैं ट्राई करूंगा कि उस सारी चीजों को भी कवर करूँ, ठीक है। और आने वाले टाइम में आप लोगों को इसी तरीके से प्यार दिखाना होगा, अभी तो बहुत कम प्यार मिल रहा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या कि भाई तुम्हारा जो फ्री फायर का ही कंटेंट मस्त था, तुम ब्लॉग में क्यों स्विच किए? सो देखो, मैंने इसका रीज़न भी बता चुका हूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के देख लेना। उसमें मैंने अपना शेयर किया स्टोरी कि मैं क्यों फ्री फायर को स्विच किया, अपने क्यों फ्री फायर को छोड़ दिया और ब्लॉग में क्यों शिफ्ट हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम। चलो घूमते जाए बच्चों।